पर पूंछ में तकरीब का इनेकाद। जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ ने कृष्ण चंद्र पार्क से रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स शीश महल में की गई तकरीब मनाकर जिला तरक्याती कमिश्नर ने खिताब करके आज के दिन पर दाग दिया। उनको मुबारकबाद भी देती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जो है बच्चों को यहाँ लाया। और बच्चों, आपको भी मुबारकबाद देती हूँ कि आपने बहुत डिसिप्लिन मेंटेन रखा और बहुत पेशेंस भी आपने रखा, जबकि गर्मी भी बहुत है और आज दिन भी आपका छुट्टी का था। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम लोगों का एक रूटीन रहता है कि बहुत सारे डेज हैं और जब कोई डे होता है किसी प्रोग्राम का, उस दिन हम उसको अच्छी तरह से मनाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम उसको भूल जाते हैं। तो सिंपली मैं यही कन्वे करना चाहूँगा कि हमें ये अपनी लाइफ में और अपनी सोसाइटी में जो कोशिश करते रहना चाहिए कि ना केवल हम डे मनाएँ और जो डे के किसी भी तरह की इतला होने पर अफराद खाना से रब्ता करने की अपील। एचएचपी सर, सब ने बहुत कोशिश की, मगर हमें आज इतने दिन हो गए, कम से कम 2 महीने होने को आए हैं कि हमें कोई छोटा सा भी क्यों नहीं मिल रहा। मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिसके पास भी गलती से भी चला गया है ये, या कोई डर गया कि हम उस पर केस करेंगे या कुछ करेंगे, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसके पास भी आप इसको, चाहे गुरुद्वारे, मस्जिद या किसी भी हमारे धार्मिक स्थान पर छोड़ते जाओ, आपके पास पहुँचा दो, इस परिवार के पास पहुँचा दो, क्योंकि उसके बिना ये घर बहुत सुना सुना है। आज 38 दिन हो गए, हमें पता नहीं हमारा बेटा किस हालात में है। तो मैं फिर से अपील करता हूँ कि जिस किसी के पास ये बच्चा है तो प्लीज़ इस परिवार को देखो, उसी परिवार को देखते हुए आप इस पर तरस खा के इस बच्चे को इस परिवार से मिला दो। मुझे दुनिया गांव में बकरी खाना में घुस कर तेंदुए ने 4 बकरियों, 1 बकरे और 2 बकरी के बच्चों को मार डाला। बकरियों के मालिक फारूक अहमद ने इंतजामिया से माली मुआवजे की अपील, वाइल्ड लाइफ से कार्रवाई कर दिया। रेडक्रॉस के आर्मी दिन पर जिला अस्पताल पूंछ में ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया इनेकाद। सीएमओ पूंछ डॉक्टर पट्टी ने दी तफसील। आपको पता है कि एक थीम होता है और जो इस साल का हमारा थीम था बी ह्यूमन काइंड था, और ये अपने आप में ही इसका एक मतलब है कि बी ह्यूमन काइंड। और इस मौका पे जो डीसी साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पे राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ में एक ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम किया, और जिसमें हम लोगों ने यहाँ के 93 ब्रिगेड कमांडर जो हैं यहाँ पे राजेश बिष्ट जी, उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया, उन लोगों ने अपने जवान यहाँ पे भेजे, और जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे 24 पॉइंट्स ऑफ जो ब्लड डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के जो था वो हम लोगों ने ब्लड कलेक्ट किया है, और इसमें एक सिविलियन ने भी ब्लड हमें दिया है। सांबा में बियर की बोतलों को साफ करते हुए एक फैक्ट्री की 8 खवातीन वर्कर्स बेहोश हो गई। वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुँचाया जहाँ पर वो जेर इलाज हैं। तमाम खवातीन खतरे से बाहर हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा
वजूहात के बारे में की जा रही है तहकीकात। आंगनवाड़ी वर्करों का और हेल्परों का दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के सामने एहतजाज, अपने मुतालबा रखे सरकार के सामने। 31 जनवरी से दिल्ली की आंगनवाड़ी महिला कर्मी निश्चित कालीन हड़ताल पे, उनकी कुछ डिमांड थी जिसमें सबसे प्रमुख डिमांड था कि जो उनका मानदेय भत्ता है 2017 के बाद से अब तक उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, 4,500 और 9,500 के मामले में वो एरियर समेत वापस दिया जाए, वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल आपको पता ही होगा, जिस पर LG ने एस्मा लगा दिया, जिस वजह से हड़ताल स्थगित की गई है। हमने एस्मा के दमनकारी कानून को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, हाईकोर्ट का फैसला अगर हमारे पक्ष में आता है अच्छी बात है, अगर पक्ष में नहीं आएगा तब फिर भी हम हड़ताल पे जाएंगे। जम्मू के बारामूला में खातून के कत्ल के मामला में वर्सा ने किया एहतजाज, शोहर पर लगाया कत्ल का इल्जाम, सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। जम्मू के वुमन कॉलेज में महाजरीन की जानिब से तकरीब का अहतमाम, पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम, कश्मीर के महाजरीन की बड़ी तादाद में शिरकत, हिजरत के दौरान मरने वाले अफराद को किया गया खराज तहसील। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के शहीदों को, बलिदानियों को आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ये श्रद्धांजलि एवं पुण्य भूमि स्मरण सभा का जो आयोजन किया गया, ये स्मरण दिलाता है उन शहीदों को जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी बलिदान और कुर्बानियां दी। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर वो भारत का हिस्सा है। पार्लियामेंट में तय हो चुका है कि हमारी है, हमारे लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ से लोग आए, उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई हैं, लेकिन अपनी गलियाँ नहीं भूले, तो मेरा उनको प्रणाम है, उनकी श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। आज उनके बच्चे, आज भी उनके अंदर वो सब चीज़ें हैं और सरकारें साथ दें तो पॉसिबल हो सकता था। जान गवाई थी, याद करने के लिए आज का समारोह रखा गया है, तो क्या करें? देखिए, आज का एक शुभ अवसर पर एक तरफ तो देश 75वां अमृत उत्सव मना रहा है, वहीं POW के शरणार्थी लोग आज इस 75 साल के बलिदानियों को याद कर रहे हैं। कठुआ में नौजवानों का एहतजाज, फौज में भर्ती होने वाले कामयाब नौजवानों ने रिटर्न टेस्ट लिया। कश्मीर में एहतजाज, 3 रोजा काम छोड़ हड़ताल के दौरान तमाम आर्जी मुलाजमी को मुस्तकिल करने का किया जा रहा है। हमारी जो मीटिंग
हर साल हुआ करती थी, पिछले 5 साल से वो नहीं हुई है। उन्होंने एक रिपोर्ट हमारे जो कैबिनेट अप्रूवल के तर्ज पे एक रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट को उन्होंने रदी टोपी में डाल दिया। अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। हम कमिश्नर साहिबान से अपील कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, इसलिए हमने एक डिसीजन यूनानिमसली आज दिया है कि हम 3 दिन की स्ट्राइक एंड डाउन स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमें मजबूर और मत करो कि हमारे सर से पानी ऊपर हो